हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जोश कुटाला फ्रॉम पिक सीरीज, एंड आज आपके लिए 15 अगस्त के स्पेशल ओकेशन पे और एक देशभक्ति सॉन्ग लेके आया हूँ, जो सॉन्ग का नाम है दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ठीक है, सो आज इस सॉन्ग को सीखेंगे, सो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे स्केल चेक करते हैं हमने कौन सा स्केल यूज किया। स्केल इज ए शार्प माइनर। ठीक है, अब ए शार्प माइनर स्केल के नोट्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने अपने ऑलरेडी फ्री सीरीज में कवर कर लिया है, उसके लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी कंप्लीट पियानो कोर्स की सीरीज। तो आप बिगिनर से लेके एडवांस तक पियानो सीख सकते हो, वो भी फ्री में। वहाँ पे मैंने सब कुछ कवर किया, नोट्स कैसे फाइंड करते हैं, कॉर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, एडवांस अरपेजियो कैसे प्ले करते हैं, बहुत कुछ। तो आपको जरूर एक बार चेक करना चाहिए। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लाइन से। सो फर्स्ट लाइन हियर इट गोज। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कॉर्ड प्ले करके आगे नोट्स प्ले कर सकते हो, या तो ये फर्स्ट ऑक्टेव पे कॉर्ड प्ले करके आप मिडिल ऑक्टेव पे नोट्स प्ले कर सकते हो, दोनों में से आपकी जो मर्जी। ठीक है, हम यहाँ पे ये करेंगे। ओके, सो ये फर्स्ट लाइन है। यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में जब सॉन्ग स्टार्ट होता है तब ये लाइन से स्टार्ट होता है सॉन्ग। सो ये फर्स्ट लाइन से सीखेंगे। इतना सिंपल देख लिया, इतना फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर ओके, सो ये नेक्स्ट लाइन है। सो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे फिर से ए शार्प माइनर यूज किया है। दो लाइन देखिए, वो फिर से देखते एक बार। नेक्स्ट लाइन सिंपल, और एक बार देखते हैं। तेरा सब कुछ, ठीक है, सब कुछ के लिए सी 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 सी, और एक बार तेरा सब कुछ मैं, फिर ठीक है मेरा सब कुछ तो पूरी लाइन देख लेते हैं। ओके, तो यहां तक देख लिया, नाउ नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन थोड़ी आलाप वाला पार्ट है। सो यहाँ पे आलाप वाला पार्ट को भी सीखना जरूरी है, उसके बाद चालू होती है हमारी जो मेन लाइन कह सकते हैं कि ये भी मेन लाइन ही एक्चुअली, लेकिन थोड़ा उसके बाद चालू होता है, मतलब आपने वहां से सुना होगा सॉन्ग को ज्यादातर। ठीक है, सो पहले ये वाला पार्ट को देख लेते हैं। ओके, सो इसकी एक एक लाइन को सीख लेते हैं, इसकी एक एक लाइन करके सीखेंगे। सिंपल, ये सॉन्ग थोड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि इसमें हम म्यूजिक का पार्ट भी सीखेंगे, क्योंकि बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही पावरफुल म्यूजिक है, सो मैंने सोचा इसको भी हम कवर करें। ठीक है, सो ये वाले वाले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, ए शार्प माइनर के नोट्स हैं। फिर सिंपल तीन नोट्स, ए शार्प सी सी शार्प, फिर नाउ नेक्स्ट लाइन सिंपल जी शार्प ए शार्प सी, पीछे से स्टार्ट किया हमने, और लाओ सिंपल एफ शार्प जी शार्प ए शार्प, पूरा होगा। ओके, तो यहां तक देख लिया, नाउ आती है जो जहां से आपने सुना होगा वो वाली लाइन। सो वो लाइन मैं प्ले करता हूं, प्ले एक बार करता हूं मैं एक बार इसको। ओके, सो दो लाइन प्ले की, आपने ये वाली लाइन को सुना होगा। सो यहां पे ए शार्प से ए शार्प जी शार्प एफ शार्प एंड एफ माइनर। ठीक है, सो पहले एक लाइन, फिर से पहले कॉर्ड, हर कर्म अपना करेंगे, फिर ठीक है एफ शार्प यूज करेंगे, ए वतन ते
रे डी ये, ठीक है। नीचे तक आ गए हम, एफ एफ तक आ गए, ठीक है। फिर से अब इसको फिर से रिपीट करना है, सो अब आती है मेन लाइन, दैट इज ओके। एक एक लाइन करके सीखेंगे इसको भी। फर्स्ट लाइन ठीक है, दिल दिया है, पहले इतना ही सीखेंगे, पहले दिल ही देंगे फिर जान देंगे, ठीक है। दिल दिया है, फिर से एक बार, दिल दिया है, फिर ओके। जान, जान के लिए जान, फिर भी देंगे होगा, जान भी देंगे, ठीक है। अब सिंपल है, ए वतन, ठीक है, उसमें ए वतन तेरे, फिर से ओके। तो यहां तक देख लिया, अब फिर से पूरी लाइन को देख लेते हैं, ओके। तो यहां तक देख लिया, अब इसके बाद फिर से वही वाला पार्ट होगा जो हमने स्टार्टिंग में, मतलब जो आलाप के बाद वाली लाइन सीखी थी, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद फिर से मेन लाइन, दैट इज ओके। तो ये वाली मेन लाइन को सीखने के बाद आता है म्यूजिक का पार्ट, और म्यूजिक का पार्ट हमें सीखना जरूरी है क्योंकि ये वाला म्यूजिक है, देखो। एक्चुअली ये वाला म्यूजिक का पार्ट ऐसा है, लेकिन मैं आपको सिंपल करके बताऊंगा, देखो एक्चुअली ऐसे है, मतलब ये ऐसे फास्ट प्ले होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको सिंपल करके प्ले करेंगे क्योंकि ये इसमें कीबोर्ड में प्ले करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये वाला पार्ट ऐसे फास्ट प्ले करना। तो हम कैसे प्ले करेंगे, ये भी अच्छा साउंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले फर्स्ट लाइन म्यूजिक की, अब ये मैंने सी शार्प कितने बार प्ले किया, 7 times, ठीक है। फिर से एफ ई एफ 7 times, और कैसे प्ले करना, जैसे हमारा म्यूजिक में प्ले होता है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्ले करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। फिर नेक्स्ट लाइन ओके, ये लाइन को सिंपल डी शार्प से लेके ए शार्प तक, या फिर से जी शार्प को 7 times, 1 2 3 4 5 6 7। फिर पीछे जाएंगे और ठीक है, ये 7 बार प्ले करेंगे। अब कहां से करना है, यहां से करना है, एफ से, ठीक है। अब कहां पे प्ले करेंगे, एफ डी शार्प सी शार्प, उसके बाद एफ शार्प प्ले करेंगे, ठीक है ओके। नाउ नेक्स्ट ओके, यहां पे एफ माइनर यूज किया हमने, पीछे से यहां से गए पीछे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो एक्चुअली F 8 times यूज हो रहा है, लेकिन पहले हम कैसे करेंगे, यहाँ तक करेंगे फिर 7 times प्ले करेंगे, फिर 7 times जो हमने पैटर्न सीखी थी, ठीक है। अब पूरा देखते हैं, यहाँ तक C sharp 7 times, फिर अब नेक्स्ट लाइन जो होगी वो ये वाली लाइन,
अब इसको भी टू टाइम्स रिपीट करना है ये पूरे म्यूजिक में, ठीक है। पूरे म्यूजिक का पार्ट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मतलब पूरे म्यूजिक का पार्ट सिखा रहा हूँ, तो याद रखना है कौन से लाइन को कितनी बार रिपीट करना है, ठीक है। फिर से अब ये वाली लाइन को टू टाइम्स रिपीट करना है ऐसे, अब ओके। सो आराम से देखेंगे इसको, पहले ए शार्प, सॉरी पहले सी शार्प, फिर ए शार्प, फिर उसके बीच वाला, फिर एक नोट छोड़ के पीछे, ठीक है ऐसे। आराम से देखना ये लाइन को फिर से, ओके तो यहां तक देख लिया। अब इसके बाद फिर से रिपीट करना है, अब यहां पे अटक जाना है हमें, ये लास्ट जो लाइन है फिर से प्ले करेंगे, यहां पे ऐसे प्ले कर रहे पहले, लेकिन अब कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। मतलब यहां पे हमें एफ प्ले करने के बाद सेवन टाइम्स एफ प्ले नहीं करना है, यहां पे हम इस पे यहां पे अटक जाएंगे। सो कैसे होगा, अब इतना प्ले करने के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, टेंशन में आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन मैं पूरा प्ले करके बताता हूँ म्यूजिक स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, तो ये सक्सेसफुल हमने पूरे म्यूजिक का पार्ट आराम से पूरा स्टेप बाय स्टेप विद कॉर्ड्स सीख लिया है। अब इसके बाद आता है अंतरे की फर्स्ट लाइन, सो अंतरे की फर्स्ट लाइन हियर इट गोस। ओके एक एक लाइन करके सीखेंगे, फर्स्ट लाइन इतना, और एक बार देखते हैं इसको, मेरा कर्मा, फिर नेक्स्ट लाइन, ठीक है मेरा धर्मा, नाउ नेक्स्ट लाइन, इतना एफ शार्प प्ले करने के बाद लाइन स्टार्ट करनी है, फिर से एक बार मेरा, फिर ओके अभी मान है, यहां तक जाएंगे अभी मान है, तो पूरी यहां तक लाइन देख लेते हैं, अब सॉन्ग की लास्ट लाइन पे हम पहुंच गए, लास्ट दो लाइन ही बची है, सो इतना सिंपल, ए वतन मैं है डूब मेरे, फिर से ए वतन मैं है डूब मेरे, नेक्स्ट लाइन,
ओके सिंपल तुझ पे दिल कुर कौन है फिर से तुझ पे दिल कुर अब लास्ट में छोटी सी और एक दो लाइन बचती है मतलब कि हमने सीखी हुई मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने सीखी हुई लेकिन थोड़ी लाइन डिफरेंट है यहाँ पे सो हमें वो सीखना भी जरूरी है सो हम वो लाइन को एक बार देख लेते ओके सिंपल हम जिएंगे और मरेंगे सिंपल और थोड़ा स्लो जाते हैं नेक्स्ट लाइन ओके लाइन थोड़ी बड़ी है सो आराम से मतलब मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं अब आपको देखेगी पूरी लाइन ठीक है ए वतन ते रे ली ये ए लास्ट में पूरा पीछे आना है फिर से इसके बाद फिर से मेन लाइन दैट इज ठीक है तो यहां पे हमने फर्स्ट अंतरा सक्सेसफुली सीख लिया एंड फ्रेंड्स इसका सेकेंड अंतरा भी करने जाएंगे तो सॉन्ग बहुत बड़ा हो जाएगा सो इसलिए यहां पे हम सॉन्ग को फिनिश करते हैं तो आई होप आपको मजा आया होगा अगर आप एक अंतरा भी कहीं पे परफॉर्म करते हो तो बहुत ही अच्छा साउंड करेगा एंड आप कहीं पे परफॉर्म करते हो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप परफॉर्म करने वाले हो सॉन्ग को कहीं पे एंड अगर आपको इसकी फ्री PDF फाइल चाहिए तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे हमें सिर्फ टेक्स्ट कीजिए और अगर नंबर सेव नहीं करना हो तो नीचे जो लिंक दी गई है उसके ऊपर क्लिक कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर पे पहुँच जाएंगे डायरेक्टली ठीक है तो वहाँ पे हमें टेक्स्ट कर दीजिए आपको फ्री PDF फाइल मिल जाएगी विद नोटेशंस एंड कॉल्स एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है आपको कहीं पर नहीं मिलेगी तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में डिजाइन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग